हड़ताल करने से पैसा नहीं बढ़ता है, हड़ताल करने से पैसा नहीं बढ़ता है। समाज जब हमारी एकजुट होगी, जब हमारी समाज एकजुट होगी, हड़ताल करने से कोई पैसा नहीं बढ़ता है। जब सरकार देखेगी कि हमें पैसा सरकार को बढ़ाना होता है, जब देखती है कि वर्कर हमारा ज़्यादा डाउन हो रहा है, तो इसलिए हमारी सरकार जब समाज देखती है कि समाज जब इकट्ठा होकर जब समाज कहती है कि हम हमारा पैसा बढ़ाया जाए, तभी तो बढ़ेगा, इसके पहले तो नहीं बढ़ेगा। कंपनी में ऑडिट आती है ना, तुम लोगों को पट्टी पढ़ा दी थे, तुम्हें जे बोलना है वो बोलना है। जब सरकार स्तर से बंदे आते हैं चेक करने के लिए, तुम लोग जो जो कंपनी वाले बोलते हैं वो क्यों बोलते हो, अपनी सच बात क्यों नहीं रखते हो? वो इसलिए बोलते हैं कि वर्कर की मजबूरी होती है, मजबूरी इसलिए होती है कि उसको नौकरी करना है, दो पैसे की नौकरी करना नहीं तो नौकरी उसकी खतरे में हो जाएगी। कहना है कि दो वक्त की रोटी अगर कमा सकते हैं तो थोड़ा झूठ बोल सकते हैं। झूठ बोलना जब होता है हमारी जिंदगी उससे कट रही है, क्या हमारी सरकारी नौकरी है क्या वो? नहीं नहीं, अंत करेंगे हम, सरकारी नौकरी नहीं है ना। एक 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 मेरे एक मिनट मैडम जी बताइए, एक 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 सेकंड, एक बस में 100 बंदे बैठे हैं। हेलो, देखिए मैम, एक बंदे 100 बंदे बैठे हैं, कंपनी कहेगी, एक मिनट है ना, एक बंदे सच बोलने तो पूरी कंपनी बच रही है, तो उसको सच बोलना चाहिए ना। एक बंदे की मान लो रोजी रोटी, एक बंदे की रोजी रोटी पर उसने सच बोल दिया, उसको कंपनी ने गेट पास दिया, बाहर कर दिया, उसके बीवी परिवार का उसका क्या, उसी जगह जाएगा, 15 दिन 10 दिन बैठेगा, 15 दिन 10 दिन बैठेगा, तो क्या खाएगा? काम नहीं जानता क्या वो? भाई वो झूठ बोलता है अपनी, इसलिए कि हम अपनी नौकरी बचाने के लिए झूठ बोलता है कि हमें पीएम मिल रहा है, एसआई मिल रहा है। मेरे तो वैसे घर पड़ रहो अंडी, महंगाई है, ठेली ना ना लगन दे रहा, ये मोती तो तू नहीं बता दे, फिर ये कहा खाएंगे गरीब आदमी, कहा खाएंगे गरीब आदमी, बताओ सब हम भर कर ले जाए। ये अब कौन से हैं वे वीडियो वाले, कौन वे इतने और सट्टी वाले सब न ले जा रहे भर भर के ठेली ना इनकी ना, तो ये बेचारे कहा खाएंगे गरीब आदमी। मोदी तो कह रहे हैं कि काफी अच्छा भारत बना दिया है, देश की जनता खूब खुश है। हाँ, कहीं भी ना बनाओ, कहाँ बना रहा को, सब बेचारे जो ले भूखे प्याते, हाँ जाम लगा रहा को, ठेली वाले ने जा रहे हैं भर भर के, कारें घूमती है तब जाम नहीं लगता है, कार घूमती तब जाम नहीं लगता है क्या? जो हर चीज का सेंड होता है ना, जो मतलब जनता को और सरकार को इनके लिए ठिकाना देना चाहिए, एक जगह देनी चाहिए। मैं पक्ष वाली बात नहीं करता, मेरे लिए सरकार खाने को नहीं दे रही है, ना पब्लिक खाने को दे रही है, जो कमाता हूँ वही खाता हूँ, ठीक है। मेरा कहना है सरकार को इनके लिए जगह देनी चाहिए, आप लोगों के लिए जगह जे है, आप लोग यहाँ रह सकते हो, जे नहीं है उठा के फेंक दिया जाए, ऐसा ये भी गलत है। अम्मा क्या नाम है आपका? मेरा बाला। बाला जी, ये कहते हैं ना कि मोदी गवर्नमेंट तो ये कहती है कि अच्छे दिन ला दिए हैं, कुछ भी ना दिया, हमें तो हमारा तो आज तक राशन कार्ड भी ना, और हमारा आदमी बुग्गी चला रहे रात दिन, राशन तो घर घर पहुँचा, कहीं भी ना, हमारा तो कुछ भी ना, हाँ हमारा ना कुछ भी, हमको ना कुछ भी। हाँ। सरकार तो आप ही लोगों ने चुनी है, सरकार आप ही लोगों ने चुनी है, और हम हमें ही धक्का खा रही है, और ये पब्लिक धक्का खा रही है सारी। जब तक उसकी सरकार रहेगी जब तो वो करेगा ना, सरकार उसके लिए अभी देख लो ना, ये लग रही है रेडी रोड, अरे देश संभाल रहा है यार, रोड पे देखो ना, रोड पे ये देश संभाल रहा है ना, रेडी लग रही थी ना 5 बजे 4 बजे रेडी लग जाती ना सब्जी वाली, लगी है एक भी रेडी, कहाँ जाएगी जनता तो चलने के लिए रेडी लगाने नहीं, नहीं तू उसे स्थान देना भाई, ये बोलिए उसको स्थान चाहिए ना, कि उसकी मार्केट के लिए जगह चाहिए ना, उसकी मार्केट के लिए जगह देना, कहाँ दिया, कहाँ जहाँ थिए दिए हैं वहाँ कोई लगा ना रहा, जाकर बताओ क्या होगा, कुछ भी ना दियो कहीं ना भी, ना तो बताओ हमें, कुछ भी ना तो धक्का खाते जो है। देखिए यहाँ पर देखिए कि काफी सारी भीड़ है, सारे वही है, आप रेडी पटरी लगाते हैं सब? हाँ सब, और कुछ मजदूरी करते हैं, और मजदूरी कर रहे हैं, तो मजदूरी मिल पाती है, और हमारा आदमी बुक्की चला रहे रात दिन, मजदूरी मिल पाती है, कहाँ मिले मजदूरी, ठेली भर भर कर ले जाओ, 6 बज गए, 6 बजे लगेंगे, काम एक लंग गई है, उनके कामों से खुश नहीं है ना, हम ना खुश,
कहता ही कहा दे रो का ही तो काई को ना राशन कार्ड ना काई को पैसा ना काई को कुछ कुछ भी ना, हमको तो कुछ भी ना।